नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया संस्थानों पर फर्जी सरकार के इशारे पर फर्जी छापड़ डलवाए जा रहे हैं, जिसके विरोध में आज समाजवादी पार्टी के नेता व कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र बचाओ का नारा देते हुए कलेक्ट्रेट में राष्ट्रपति संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। कन्नौज समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष कलीम खान की अगुवाई में पत्रकारों पर और मीडिया संस्थानों पर फर्जी छापर जलाए जाने के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया गया। पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव ने मुंह पर काली पट्टी बांधकर और खुद को जंजीरों से जकड़कर विरोध किया। उन्होंने ये दिखाया कि लोकतंत्र इस समय सत्ता पक्ष के इशारे पर बंधा हुआ है। लोकतंत्र गूंगा है, बोल नहीं सकता, इसने मुंह पर पट्टी लगाए थे। अवश्य कहा है कि चौथे का स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया संस्थानों पर जिस तरह से फर्जी था पर चलाए गए, उसकी समाजवादी पार्टी घोर निंदा करती है, जो सच का आईना दिखाता है और सरकार के काले चित्र खोलता है। और सरकार उसके यहाँ फर्जी तौर पर सीबीआई और इनकम टैक्स के छापे डाले जाते हैं। जो पत्रकार सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है उसको मार दिया जाता है। आखिर कब तक पत्रकारों पर उत्पीड़न होता रहेगा? जिसके चलते सपा नेताओं ने राष्ट्रपति संबोधित ज्ञापन एडीएम गजेंद्र कुमार को सौंपा और कहा कि सदन में पत्रकारों हित की बात कही जाए और पत्रकारों के लिए एक सुरक्षा का कानून बनाया जाए। अगर ये सब नहीं हुआ तो समाजवादी पार्टी सड़क पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे। कन्नौज से सीबू सैनी की रिपोर्ट। देखें कि किस तरीके से भारत में लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। आज माननीय जिला अध्यक्ष कलीम खान जी के नेतृत्व में हम सब ये प्रदर्शित करने आए हैं कि लोकतंत्र किस तरीके से सत्ता में कैद हो गया है। हमें ना हम हाथ पैर चला सकते हैं, ना हम कुछ बोल सकते हैं। आम आदमी की बात तो छोड़ो, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, लोकतंत्र का रक्षक है, उसे भी नहीं बख्शा जा रहा है। किस तरीके से जो स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाएं थीं, उनके द्वारा छापे डलवाए जा रहे हैं, चाहे हमारी न्यायपालिका हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, सभी आज सत्ता में कैद हो गई हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा दैनिक भास्कर ग्रुप पे, भारत समाचार पर जिस तरीके से छापे पड़े, क्या कारण था? क्योंकि वो लोग सरकार का सच सामने लाते थे। आज लोकतंत्र में सच बात कहना गुनाह है, मीडिया को सच दिखाना गुनाह है। इसलिए हम सब आपके माध्यम से जनता तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, मुंह पे काली पट्टी बांधकर, कि अब हमें लोकतंत्र में बोलने का अधिकार नहीं रहा। जनता समझे और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाए, जिससे हमारी लोकतंत्र की रक्षा हो सके। इसलिए आज हम सब बेड़ियों में कैद और मुंह पे पट्टी बांध कर आए हैं कि एक संदेश देने आए हैं, लोकतंत्र किस तरीके से सत्ता में कैद हो गया, इसे बचाना है। और पत्रकार अगर नहीं बचेंगे तो निश्चित रूप से लोकतंत्र नहीं बच सकता है।